गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आधारहीन, तर्कहीन और निरस्त था। उन्होंने कहा, आरोप सुनने के लिए जिगरा चाहिए, हमने तारीख बदलने तक उनके आरोपों को सुना। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि सदन में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है और कमलनाथ जी ने किसी से वादा किया था जो शादी विवाह में निकल गए सदन में आने की बजाय। उन्होंने कहा, इतना तथ्यहीन, आधारहीन, तर्कहीन और निरस अविश्वास प्रस्ताव कभी भी सदन में नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि आरोप सुनने के लिए जिगरा चाहिए, हमने तारीख बदलने तक उनके आरोपों को सुना। आप सब साक्षियों और सदन भी साक्षी, इतना नीरस, तथ्यहीन, आधारहीन, तर्कहीन अविश्वास कभी नहीं आया सदन। मैंने तब भी कहा और अभी भी कहता हूं कि आरोप सुनने के लिए, जवाब सुनने के लिए दोनों के लिए जिगरा चाहिए। रात को तारीख बदलने तक, 12 बजे के बाद तक हम सामने बैठे रहे, लेकिन रात को 12 बजे तक कमलनाथ जी सदन में नहीं आए। उनका कार्यक्रम में जाना जरूरी था, उनका शादी विवाह में जाना जरूरी था, सिरोंज में जाना जरूरी था, सदन जरूरी नहीं था। सदन को वैसे भी बकवास कह चुके। मिश्रा ने कहा, कोरोना को लेकर भारत सरकार की गाइडलाइन के पालन के निर्देश प्रदेश के सभी सीएमएचओ को दिए गए हैं। सभी को निर्देशित किया गया है कि पॉजिटिव पाए जाने वाले की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार का पत्र मध्य प्रदेश सरकार पे आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने समस्त प्रदेश के जिलों में सीएमएचओ को निर्देशित किया है कि जो भी 2-4 नए पॉजिटिव निकलते हैं उन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, करा ली जाए। मिश्रा ने कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि इच्छाधारी हिंदू, चुनावी हिंदू, सीजनल हिंदू, देशभक्त कैसे हो सकते हैं? जो इच्छाधारी हिंदू है, जो चुनावी हिंदू है, जो सीजनल हिंदू है, वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।